आदमी बड़े ध्यान से सत्संग सुन रहा था। संत बोल रहे थे कि आए हो तो जरूर कुछ बदल के जाना, कुछ छोड़कर जाना और कुछ लेके जाना। संत का मतलब था कि कुछ बदल के जाना अर्थात अपने स्वभाव को बदल कर जाना, कुछ छोड़कर जाना और कुछ लेके जाना, बुराइयों को छोड़ के जाना और अच्छाइयों को लेके जाना। संत ने लेकिन विस्तार से नहीं कहा, सिर्फ इतना कहा कि सत्संग में आए हो कुछ ना कुछ जरूर बदल कर जाना, कुछ छोड़ के जाना, कुछ लेके जाना। अब विस्तार से नहीं बताया कि क्या छोड़ के जाना, क्या लेके जाना और क्या परिवर्तन करना। एक आदमी सामने में बैठा, बड़ा ध्यान से सत्संग सुना, सारा प्रवचन तो भूल गया लेकिन लास्ट का पॉइंट याद रहा कि परिवर्तन करके जाना, कुछ छोड़ के जाना, कुछ लेके जाना। सब सत्संग समापन हुआ तो उठकर चले गए पंडाल के बाहर। आदमी धीरे धीरे चल रहा है, क्या परिवर्तन करूं, क्या छोड़ूं, क्या लेके जाऊं। महात्मा कहे हैं कि कुछ ना कुछ परिवर्तन करके जाना, कुछ ना कुछ छोड़ के जाना, कुछ ना कुछ लेके जाना। क्या करूं क्या कर, सोचते सोचते कि क्या परिवर्तन करूं, क्या छोड़ूं, क्या लेके जाऊं, सोचते सोचते गेट तक पहुंच गया। अब गेट के पास खड़े होके विचार करने लगा कि कुछ ना कुछ तो परिवर्तन करना है, महात्मा जी ने कहा है तो क्यों ना चप्पल परिवर्तन कर लें, और कुछ छोड़ना है, हमारी चप्पल पुरानी हो गई है उसको छोड़ देते और यहाँ नई नई चप्पल बढ़िया रखी, कीमती जूता रखे हैं, एक दो जोड़ी चप्पल ही लेते जाएं। तो ये सत्संग स्थल परिवर्तन स्थल है पर जूता चप्पल नहीं, जूता चप्पल मत बदलिएगा। सत्संग में आए हैं तो अपने स्वभाव को थोड़ा बदलिए। आज आदमी दुखी है, दुख का कारण अभाव नहीं, सबके घर में टीवी सेट, मोबाइल सेट, सोफा सेट, डिनर सेट, डाइनिंग सेट, टीवी सेट, और अमीरों के घर डायमंड सेट, पर जिसको देखो उसका मूड अपसेट, सब टेंशन में है। सरकार पेंशन दे रही फिर भी टेंशन काम नहीं हो रही। इसलिए संत कहते हैं कि अपने जीवन में कुछ परिवर्तन करो। एक संत से संत ने प्रश्न सज्जन ने प्रश्न किया कि मेरे जीवन में, मेरे परिवार में स्वर्ग हो, शांति हो, खुशियां हो, कोई ऐसा मंत्र है? महात्मा ने कहा सब चीज का मंत्र है, आपके जीवन में सुख हो, शांति हो, स्वर्ग हो, हमारे पास उसका भी मंत्र है। कहा दे दीजिए। महात्मा ने कहा दे रहा हूं पर ताबीज बनाकर गले में मत पहनना। बहुत लोग गले में, बाहें में और बहुत लोग कमर में भी पहन लेते हैं। कहा गले में मत पहनना, बाहें में मत पहनना, तो क्या करूंगा, सुबह उठकर जाप करूंगा माला लेके? कहा उस मंत्र का जाप भी मत करना। तो क्या करना है? उस मंत्र पर चलना, दीवार पर उस मंत्र को लिख देना और सुबह उठकर उस मंत्र के अनुसार काम करना। कहा ठीक है, क्या मेरे परिवार में स्वर्ग, सुख, शांति, खुशियां आ जाएगी? कहा बिल्कुल। संत ने बड़ा सुंदर मंत्र दिया और वो मंत्र मैं आप लोगों को भी दे रही हूं, ध्यान से सुनिएगा, यहां से लेके जाइएगा। तो कुछ लोग तो जलेबी खरीद के ले जाएंगे, कुछ समोसा, कुछ खिलौना, लेकिन एक छोटा सा मंत्र भी साथ में लेके जाइएगा, बहुत छोटा है। अगर परिवार में, घर गृहस्थी में, जीवन में सुख चाहते हैं, शांति चाहते हैं, स्वर्ग चाहते हैं कि हमारा जीवन, हमारा घर स्वर्ग सा सुंदर हो, तो पांच बातें याद रखना। पहली बात है दिमाग को ठंडा, दूसरा है जेब को गरम, तीसरी बात है जुबान को नरम, चौथा मंत्र है आंखों में शर्म, और पांचवा है दिल में रहम। ये पांच सूत्र, पांच मंत्र जिसके घर में, जिसके जीवन में, जिसके परिवार में है,
उस घर में कभी लड़ाई झगड़ा टेंशन नहीं हो सकता, उसका घर कभी नर्क नहीं बन सकता। ये पांच बातें अपने घर की दीवार में लिख लीजिए, और बच्चे हो, बूढ़े हो, स्त्री हो, पुरुष हो, जवान हो, सबके लिए, चाहे वो संत मत का हो, चाहे कबीर मत का हो, चाहे शिव चर्चा वाला हो, सबके लिए, मानव मात्र के लिए सूत्र बहुत अच्छा है। दिमाग ठंडा, जेब गरम, जुबान नरम, आंखों में शर्म और दिल में रहम। पांच बातें हर जगह पर आप लागू करिए तो आपका जीवन, आपका परिवार सुखी रह सकता है। पहली बात है, दिमाग को ठंडा रखिए। दिमाग ठंडा का मतलब होता है क्रोध नहीं करना, गुस्सा नहीं करना। किसी किसी को बात बात में गुस्सा आता है। पहले कोप भवन हुआ करता था, राजा महाराजा के जमाने में कोप भवन होता था। जब भवन बनता था तो एक कमरा, एक घर क्रोध के लिए, गुस्सा के लिए, नाराजगी के लिए बनाया जाता था। आज हम घर बनाते हैं तो बेडरूम, बैठक रूम, किचन रूम, गुस्साई कमरा, सब कमरा बनता, पर कोप भवन कहीं नहीं बनता। क्यों? क्योंकि आज आदमी को जहां गुस्सा आता है वो आगे पीछे नहीं देखता कि कौन है, किसके सामने बोले ना बोले, सबके सामने सब जगह वहीं शुरू हो जाता है। बाजार में है, दुकान में है, सत्संग में है, कहां पर, कहां, जहां क्रोध आया वहीं शुरू हो गए। क्रोध से डॉक्टर कहते हैं कि बहुत प्रकार की बीमारी होती है गुस्सा करने से। एक बार श्री कृष्ण से राधा ने कहा कि प्रभु बताइए क्रोध का मतलब क्या होता है। श्री कृष्ण भगवान मुस्कुराते हुए कहते हैं, राधे क्रोध का मतलब होता है दूसरे की गलती की सजा स्वयं भोगना। गलती दूसरा करता है पर जो क्रोध करता है सजा उसको मिलती है। क्रोध करने वाले का बीपी हाई हो जाता है, ब्लड प्रेशर हाई, शुगर हाई। एक बोड़ा चीनी खा लीजिए लेकिन शुगर की बीमारी नहीं होगी, एक क्षण क्रोध कीजिए शुगर हाई हो जाएगा। ये मनोवैज्ञानिक बताते हैं, मनोचिकित्सक जो होते हैं, डॉक्टर जो होते हैं, उन्होंने सर्च किया कि आजकल लोगों को चीनी की बीमारी, शुगर की बीमारी बहुत ज्यादा हो रही। पहले कभी कभी किसी किसी को सुनते कि चीनी की बीमारी हो गई, लेकिन आजकल कम उम्र के बच्चों को भी हो जाता है, 20 साल के, 25 साल के, 40 साल के। तो वैज्ञानिकों का कहना है, मनोचिकित्सकों का कहना है कि जो जितना क्रोध करता है उसके शरीर में, ब्लड में चीनी की मात्रा, खून में जहर की मात्रा बढ़ जाती है। जो ज्यादा टेंशन में रहता है उसको जल्दी शुगर होता है। अगर आप शुगर फ्री रहना चाहते हैं, डायबिटीज आपको ना हो, हाई ब्लड प्रेशर आपको ना हो, तो बहुत टेंशन मत लीजिए, बहुत क्रोध मत कीजिए, बहुत गुस्सा मत कीजिए। थोड़ा थोड़ा तो होता है, घर गृहस्थी में है तो बच्चे को थोड़ा डांटना, पत्नी पर थोड़ा सा चिल्लाना, पर थोड़ा सा, बहुत ज्यादा मत चिल्लाइए, बहुत ज्यादा बच्चों को डांटिए भी मत। थोड़ा पढ़ने के लिए तो डांटना पड़ता है। अगर क्रोध से पति आग बन जाए, कभी कभी होता ना, बाहर से आए पति मन के अनुसार काम नहीं हो तो एकदम गुस्सा में आ जाते, तो संत कहते हैं अगर पति क्रोध से आग बन जाए तो पत्नी का धर्म है पानी बन जाए, शीतल बन जाए, चुप रहे, बोले ना। यही मौन की, मौन ही क्रोध का असली दवा है, चुप रह जाए बिल्कुल। और कभी कभी पत्नी क्रोध से बन जाए आग तो पति का धर्म है कि पानी बन जाए, कोई बात नहीं, आज आपकी बारी है, आप बोलो मैं चुप रहता हूं। कभी पति बोले तो पत्नी चुप हो जाए, और पत्नी बोले तो कभी कभी भाई लोग भी सह लीजिए, कोई बात नहीं, आज तुम बोलो, तुम्हारी ड्यूटी है, मैं सुनता हूं। पर ऐसा नहीं होता है,
पत्नी अगर क्रोध से आग बन जाए तो पति पानी नहीं पेट्रोल बन जाता है। अब पति क्रोध से आग बन जाए, गुस्सा में बोलना शुरू कर दे तो पत्नी पानी नहीं बनेगी, चुप नहीं रहेगी। जितना पति बोलेगा उससे डबल रिटर्न, तुरंत आग बन जाते हैं। और आग पेट्रोल से कभी बुझती नहीं, बढ़ती है। अभी कुछ दिन पहले समाचार सुन रही थी कि मलेरिया की बीमारी, टाइफाइड में, बीपी में, कोरोना में मरने वालों की संख्या बहुत कम है, पर रोज न्यूज समाचार सुनिए, क्रोध में, गुस्सा में, टेंशन में फांसी लगाकर, जहर खाकर, ट्रेन की पटरी में कटकर मरने वालों की संख्या बहुत है। रोज किसी को गुस्सा आया तो क्या करते हैं, अपने जीवन को समाप्त कर लेते हैं। एक आदमी बहुत धनी, विदेश का पेपर में छपा था, अभी 5-6 महीना की बात है, बहुत धनी आदमी, करोड़पति, उसका स्वयं का हेलीकॉप्टर, फोर व्हीलर की तो गिनती नहीं कितनी थी उसके पास में, हेलीकॉप्टर था। टेंशन में आकर, गुस्सा में आकर हेलीकॉप्टर लेके ऊपर उड़ा और ऊपर से ही छलांग लगा दिया, नीचे आया तो राम नाम सत्य हो गया। सहनशीलता हमारे अंदर से समाप्त होते जा रही है, गुस्सा बढ़ते जा रहा, थोड़ी थोड़ी बात बात में हम लोग बंदूक निकाल लेते हैं, तलवार निकाल लेते हैं, दबिया निकाल लेते हैं। एक बार अररिया जिला में ही मेरा कहीं कार्यक्रम था, संत महर्षि मही बाबा का जन्म जयंती था, रात में 12 बजे लगभग बहुत ज्यादा हल्ला होने लगा। जब सुबह 5 बजे हमने पूछा कि इतना हल्ला क्यों, क्या कार्यक्रम की तैयारी में ये सब हल्ला हो रहा, कहा नहीं, 40 गो पुलिस की गाड़ी आई हुई है, एक परिवार के 5 आदमी को एक आदमी ने गुस्सा में आके दबिया से काट दिया, 5 लोगों को एक साथ, भोजन करके सब सोए हुए थे, गुस्सा में आकर, जमीन का विवाद चल रहा था, हम जहां रुके थे उसी गांव की घटना, कार्यक्रम तो नहीं हुआ। क्रोध का कोई सीमा नहीं, क्रोध जहां आता है तो तबाह करके चला जाता है, नर्क बना देता है जीवन, और बाद में पश्चाताप के सिवा कुछ बचता नहीं है। इसलिए संत कहते दिमाग ठंडा रखिए, क्रोध बहुत मत कीजिए, और दूसरी बात कहते जेब गरम रखिए। जेब गरम हुआ तब ये पंडाल लगा, मंच बना, सत्संग हो रहा है। जेब गरम है तब भोजन है, भंडार है। जेब गरम का मतलब सब समझ गए कि आपके जेब में कुछ ना कुछ मनी राम होना चाहिए, लक्ष्मी जी होना चाहिए। अगर घर में पैसा का अभाव है तो पत्नी भी झगड़ेगी, माँ भी झगड़ेगी, बच्चे भी लड़ेंगे, सब लोग लड़ते। धन कमाते हो तो नशे में मत बर्बाद कीजिए, बहुत लोग पीने खाने में, कमाते तो बढ़िया है लेकिन पीने खाने में बर्बाद कर देते हैं। धन है तो धर्म कीजिए। अभी हमारे इस कार्यक्रम में बहुत लोग सहयोग दिए, दाल का, चावल का, हमारे सभापति साहब ने एक दिन का भंडारा ही दे दिया, कल का भंडारा, और भी ऐसे कई वीर हैं जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में बढ़ चढ़ के भाग लिया। धन है तो धर्म में लगाइए, परिवार में लगाइए। संत कहते हैं जेब गरम नहीं होगा तो रोज लड़ाई झगड़ा होगा, इसलिए जेब गरम रखिए। तीसरी बात कहते हैं जुबान नरम रखिए। लोगों ने छूकर देखा तो कहा साहब जी ये तो बहुत नरम है, इसमें तो हड्डी नहीं है, पर बिना हड्डी की ये जुबान जब चलती है तो इतना गहरा घाव करती है। कहते हैं कि जुबान में लगा घाव 7 दिन में ठीक हो जाता है, पर जुबान से लगा हुआ घाव 7 साल में भी ठीक नहीं होता। जो महाभारत की घटना घटी एक जुबान के कारण, द्रौपदी ये नहीं कहती कि अंधे के अंधे होते हैं तो इतना बड़ा महाभारत नहीं होता। रामायण में माता सीता का हरण हुआ
एक जुबान के कारण लक्ष्मण छोड़ के नहीं जाते, पर माता सीता ने लक्ष्मण को बहुत बुरा बुरा कहा, तुम्हारी दृष्टि खराब, तुम्हारी भावना खराब है, तुम्हारे मन में कुछ और ही चल रहा है। इतना खराब किया कि लक्ष्मण सह नहीं पाए, लक्ष्मण छोड़कर चले गए और सीता का हरण हो गया। आज घर में जो सास बहू का झगड़ा होता है, गोतनी गोतनी का झगड़ा होता है, तो तीर तलवार बंदूक से नहीं होता, जुबान से ही होता है। दो तीन घंटा चलता, चार घंटा, और कोई कोई तो इतनी वीर होती है कि पांच घंटे में भी नहीं थकती। बड़ी पावर होता है, बड़ी शक्ति होती, पांच घंटा तक रेउरे लड़ते रहेगी, थकेगी नहीं। वीरता लड़ने में मत दिखाइए। संत कहते हैं जुबान को नरम रखिएगा तो आपके घर में स्वर्ग होगा, और जुबान को कड़ा बना के रखिएगा तीर की तरह, बंदूक की गोली की तरह, तो रोज झगड़ा होगा डेली। एक दिन एक भक्त के यहाँ मेरा जाना हुआ, उसकी पांच बहू थी, आंगन एक ही, पांच कमरा, सब बेटा बहू अलग अलग कमाते थे, अलग अलग खाते थे, लेकिन झगड़ने के लिए पांचों गोतनी एक साथ हो जाती थी। लड़ाई झगड़े में बड़ी एकता है, कमाना अपना अपना, खाना अपना अपना, रहना अलग अलग, पर जब झगड़ा करना होता था तो पांचों इकट्ठी हो जाती थी और रोज झगड़ती थी। सज्जन अपने घर में ले गए, कहा साहब जी कुछ आशीर्वाद दे दीजिए, रोज झगड़ती पांचों बहुएं। पांचों को बुलाए, कहा आपके पिता संत हैं और आप लोग झगड़ती हो रोज रोज, सब पड़ोसी लोग शिकायत कर रहे हैं, अच्छी बात नहीं है। पांचों से पूछा कि हम रोज झगड़ती आप लोग, कहा हाँ रोज ही झगड़ते हैं, नीचे सिर कर ली कुछ लोग तो, बहुएं जो पांचों बैठी, कहा जी रोज ही हो जाता है, कभी कभी छूट जाता है। हम कहा जिस दिन छूट जाता उस दिन कैसे लगता है कि कुछ कमी रह गई, आज आज कुछ काम बाकी रह गया, ऐसा लगता होगा। कहा नहीं, नीचे सिर करके बैठ गई। हमने कहा एक काम करो, सप्ताह में सात दिन होते हैं, रोज मत झगड़िए, झगड़िए, हम झगड़ा करने के लिए मना करेंगे नहीं, झगड़ना है आपको, झगड़ा छोड़ना नहीं है, लेकिन सप्ताह में सात दिन होता, सात में से किसी एक दिन को चुन लीजिए, सोमवार या रविवार, मतलब सात दिन में एक दिन केवल झगड़िए, छह दिन मत झगड़िए, सब मिलके मीटिंग कर लीजिए पांचों गोतनी, ये कौन दिन झगड़ना, कि सोमवार ठीक रहेगा कि रविवार ठीक रहेगा, और फुर्सत होके जल्दी जल्दी खाना बना के और फिर बैठ जाइए, खूब झगड़िए। पांचों हंसने लगी, हमने कहा झगड़ा से कौन फायदा होता है, कमाते आप लोग अपना अपना है, खाते आप लोग अपना अपना है, अपने अपने घर में रहते हैं और झगड़ने के लिए एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं। पांचों ने कहा अब नहीं झगड़ेंगे। नहीं, हमने कहा एक दिन छुट्टी है आपको, कोई भी एक दिन चुन लीजिए, संडे हो, मंडे हो, ट्यूजडे हो, कोई दिन एक दिन झगड़ने के लिए रखिए, एक दिन खाली रखिए, छह दिन तो कम से कम शांति से रहिए, हल्ला गुल्ला मत करिए, घर को स्वर्ग बनाइए। पांचों को लगा कि नहीं, बहुत बड़ी गलती है, रोज रोज लड़ते हैं, संत घर है, अब पांचों बहुएं आके घर को क्या बना दी, नर्क बना दी। सुबह मैंने कहा था कि एक नारी चाहे तो घर को स्वर्ग बना सकती है और एक नारी चाहे तो घर को नर्क बना सकती है, इसलिए नारियों को कभी झगड़ना नहीं चाहिए, बिल्कुल शांत रहना चाहिए। पांचों ने कहा कि आज से झगड़ेंगे नहीं, कोई दिन नहीं झगड़ेंगे, एक दिन क्यों खराब करें हम, और पांचों दीक्षा ले ली। परिवर्तन करिए कुछ अपने जीवन को। तीसरी बात कहते हैं आंखों में शर्म, मर्यादा बना के रखिए। देखिए आंखों में हम पट्टी बांध नहीं सकते, बांध कर जी नहीं सकते, पर देखिए तो अच्छी भावना से देखिए, अच्छा चित्र देखिए, जैसा चित्र देखिएगा वैसा चरित्र आपका बनेगा। मोबाइल से आप गलत फिल्म देखिएगा, गलत चित्र देखिएगा, गलत गाना गाई देखिएगा, तो आपके मन में गलत संस्कार बनेंगे और गलत संस्कार ही गलत कर्म कराते हैं। आज हमारे देश में रोज पेपर पढ़िए, रोज बलात्कार की दो चार घटना लिखी होती है,
कि नोएडा में, दिल्ली में, बंबई में, फलाने जगह, वहां पर 6 साल की बच्ची से, 20 साल की बेटी से, 25 साल की बेटी से बलात्कार हो गया। ये बलात्कार की घटना क्यों बढ़ रही है? क्योंकि नेट में आज हमारे बेटा गंदे गंदे फिल्म देखते हैं, गंदे गंदे चित्र देखते हैं, गंदे गंदे गाने देखते हैं, उनकी भावना गंदी होती है, संस्कार गंदे होते हैं, और वही बेटा जाकर गंदा कर्म करते हैं। इसलिए मोबाइल चलाइए, नेट खूब चलाइए, पर अच्छा चित्र, अच्छी फिल्म, अच्छा भजन सत्संग देखिए, जिससे मन में अच्छा संस्कार हो। और आखिरी बात, दिल में रहम रखिए, अर्थात हर जीव के प्रति दया और करुणा का भावना रखिए। कभी जीव हिंसा करके भोजन मत कीजिए। बहुत महिलाएं मछली खाती, मुर्गी खाती है, मांस मछली जो भी खाती है, हिंसा से प्राप्त होता है, हिंसा से प्राप्त भोजन नहीं करना है। अभी मैं यहाँ पर कुछ घर में घूमी और भी जगह जाती हूँ, तो मैं देखती हूँ कि माता पिता संत मत में, माता पिता कबीर पंथी, और बेटा बहू शिव चर्चा में। पूछा कि बाबू ऐसा क्यों? कहा शिव चर्चा में बहुत छूट है, फ्री है, सब कुछ खाइए और शिव जी की चर्चा करिए, इसलिए उसी में लाभ है, इसलिए उसी में दीक्षा ले लिए। अब बहुत ऐसे संत हैं, बूढ़े हो गए, पर उनके बेटा बहू आज तक दीक्षा नहीं लिए हैं। क्यों? कहते हैं साहब जी अभी खा लेने दीजिए ना, थोड़े और बूढ़े हो जाएंगे, समय आने दीजिए, फिर आराम से दीक्षा ले लेंगे। बुराई को छोड़ने के लिए बहुत सोचते हैं। अगर आपके माता पिता मर जाएंगे तो आपके घर में संत आएंगे? संत परंपरा खत्म, शैतान परंपरा, राक्षस परंपरा आपके घर में घुसी हुई है, तो संत घुसेंगे आपके घर में? संत संत को देख के आते हैं, धन को देखकर नहीं आते हैं। रामचरितमानस में पार्वती जी कहती है कि प्रभु, भोले बाबा से बोलती है कि राक्षस की, दानव की क्या परिभाषा है? शंकर भगवान कहते हैं, खाए कबाब शराब सरोजा, निस्दिन करई पर नारिन खोजा, माँ नहीं मात पिता नहीं बाता, साधुन से करावही सेवा, जिनके अस लक्षण भवानी, सो निश्चर सम जानो प्राणी। जो मांस मछली अंडा खाता है, जो माता पिता का कहना नहीं मानता है, और जो साधु संत से उलट के सेवा लेता है, जिसके इतने लक्षण है, वो कलयुग के राक्षस हैं। इसलिए शुद्ध शाकाहारी भोजन करिए। खाने को बहुत चीज है, सिर्फ 3 चीज मत खाइए, मांस मछली और अंडा। 3 चीज को छोड़कर 1,00,000 चीज प्रकृति में है, उसको खाइए, ताकि आपका धर्म बनेगा, पुण्य बनेगा, आपका जीवन अच्छा बनेगा।